तो आज हम यहाँ पर जो है फायरबोल्ट के दो रगेड स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारे पास है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ फायरबोल्ट कमांडो और फायरबोल्ट कोबरा स्मार्ट वॉच। तो जो फायरबोल्ट कमांडो स्मार्ट वॉच है ना, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, मैंने पहले सोचा था कि इसका रिव्यू अपलोड करूँ, बट बाद में जो है मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि इसका जो है ना फायरबोल्ट कोबरा के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि क्या है ना, दोनों भी जो है ना रगेड स्मार्ट वॉच है और दोनों में आपको फीचर भी जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं और प्राइस में भी जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही वॉच के। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर जो इन दोनों ही वॉच का एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वॉच जो है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जो है डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्ट वॉच आप देख सकते हो दिखने में दोनों ही काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बट अगर हम यहाँ पर जो एक रगेड स्मार्ट वॉच के हिसाब से देखें तो मुझे जो है ना फायरबोल्ट कोबरा जो है ज़्यादा रगेड स्मार्ट वॉच वाला फील देता है। वैसे तो यहाँ पर फायरबोल्ट कमांडो जो है दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा है ये भी। और इन दोनों वॉच का जो डायल साइज है ना वो भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के डायल साइज़ में। और दोनों का जो डायल साइज़ है ना थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, तो मेरे हिसाब से थिन हैंड्स में जो उतना सूट नहीं करेंगे दोनों ही वॉचेस। और अगर मैं पर जो है साइड से देख रहे हैं तो देख सकते हो आप दोनों ही वॉच का जो थिकनेस है ना वो भी एक जैसा ही है। बाकी अगर मैं पर जो है बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो फायरबोल्ट कमांडो में आपको जो है पूरा साइड में जो है मेटल फ्रेम मिलता है एक, जबकि फायरबोल्ट कोबरा में आपको यहाँ पर जो ये गोल्डन कलर वाला दिख रहा है ना तो ये जो है मेटल का है, बाकी पूरा जो है प्लास्टिक ही है। बट इन्होंने यहाँ पर जो है काफ़ी हार्ड क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छा है दोनों का ही। और इन दोनों ही वॉच में आपको यहाँ पर स्ट्रैप का भी क्वालिटी अच्छा मिलता है। फायरबोल्ट कोबरा का जो स्ट्रैप है ना वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हार्ड लगा, जबकि कमांडो में आपको जो है स्ट्रैप उतना ज़्यादा हार्ड नहीं मिलता, थोड़ा सॉफ्ट ही है। बाकी इन दोनों में ही आपको यहाँ पर जो है साइड में दो फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। इन दोनों में ही यहाँ पर आप जो ऊपर वाले बटन से डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं और जो नीचे वाला बटन है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड के लिए एक शॉर्टकट बटन है। और इन दोनों में आपको यहाँ पर जो है डी अटैचेबल स्ट्रैप का ऑप्शन मिलता है, तो स्ट्रैप अगर आपको बाद में चेंज करना है तो आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जो है डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोनों ही वॉच में बेजल्स है बट ज़्यादा नहीं है। और डिस्प्ले स्पेक्स के बारे में बात करें तो फायरबोल्ट कमांडो में आपको यहाँ पर जो है 1.95 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जिसमें 410x502 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। एंड फायरबोल्ट कोबरा में जो यहाँ पर 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले जिसमें 368x448 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से दोनों का जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छा है, कलर्स आपको यहाँ पर जो है काफ़ी डार्क और वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं डिस्प्ले पर। इतना ही नहीं, इनका जो यूआई है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता वॉच को यूज़ करते टाइम। बाकी ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो ब्रांड ने तो मेंशन किया कि इन दोनों में आपको यहाँ पर जो है 500 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है और दोनों का ब्राइटनेस अच्छा है, मैंने दोनों को जो है आउटडोर वगैरह में यूज़ करके देखा था तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और इन दोनों में आपको यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं वॉच फेस के, डिजिटल और एनालॉग वॉच फेस, और दोनों का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ब्राइटनेस है ना वो अच्छा है। और स्पोर्ट्स मोड के बारे में बात करें तो इन दोनों में आपको यहाँ पर जो है 123 स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। और दोनों का जो स्पोर्ट्स मोड का एक्यूरेसी है ना वो डिसेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है फायरबोल्ट कमांडो को पहनकर जो 100 स्टेप्स चल कर आया था तो वॉच ने यहाँ पर जो है 103 स्टेप्स को काउंट किया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है फायरबोल्ट कोबरा को पहनकर 110 स्टेप्स चल कर आया तो वॉच ने यहाँ पर जो 120 स्टेप्स को काउंट किया। और फायरबोल्ट कमांडो जो है यहाँ पर IP67 वाटर रेजिस्टेंट है, जबकि फायरबोल्ट कोबरा यहाँ पर जो है IP68 वाटर रेजिस्टेंट है। बाकी इन तीनों में आपको यहाँ पर जो है हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 और ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी ऑप्शन मिलता है। और इनका जो एक्यूरेसी है वो डिसेंट है और किसी भी बजट स्मार्ट वॉच में आपको यहाँ पर जो है एक्यूरेसी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। आजकल तो यहाँ पर जो है 5 से 6 हज़ार वाले स्मार्ट वॉच में भी आपको एक्यूरेसी जो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें बस आपके एक आइडिया के लिए होते हैं, तो कंप्लीटली आप जो इन पर रिलाई मत करना। एंड इन दोनों ही वॉचेस में आपको यहाँ पर जो है कॉलिंग फीचर भी मिलता है, तो कॉलिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन दोनों ही वॉचेस को। इतना ही नहीं, इन दोनों में आपको यहाँ पर जो है वॉच को म्यूट पर रखने का भी ऑप्शन मिलता है। और इन दोनों ही वॉचेस में आप जो है कुछ बेसिक से फीचर्स भी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, वेदर अपडेट वगैरह भी यहाँ पर आप जो है स्मार्ट वॉच में ही चेक कर पाओगे। और स्मार्ट वॉच से यहाँ पर आप जो है कैमरा और म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड इन दोनों में आपको यहाँ पर जो है अलार्म, स्टॉप वॉच और टाइमर का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट फायरबोल्ट कमांडो में यहाँ पर आप जो है स्मार्ट वॉच से अलार्म को सेट कर सकते हो, लेकिन कोबरा में आपको जो इसका ऐप यूज़ करना पड़ता है अलार्म सेट करने के लिए। और देखें तो दोनों में आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेटर और फ्लैशलाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इन दोनों में आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया से आ जाते हैं, 2 से 3 लाइन तक का मैसेज यहाँ पर आप जो है वॉच में ही पढ़ सकते हो। एंड इवन आपको यहाँ पर जो है कॉल नोटिफिकेशन भी अच्छे से मिल जाता है दोनों ही स्मार्ट वॉच में। और अगर हम यहाँ पर जो है बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो इन दोनों ही वॉच में आपको यहाँ पर जो है 4 या फिर 5 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा काफ़ी नॉर्मल यूज़ पर। बट अगर आप जो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो, कॉलिंग वाला फीचर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हो, तो 1 दिन या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको मिल सकता है। तो कॉलिंग के साथ यहाँ पर आप जो है 1 डे तक का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। एंड अगर हम जो इनके प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर फायरबोल्ट कमांडो का जो प्राइस है करंटली वो यहाँ पर 2,999 रुपये है, और फायरबोल्ट कोबरा का जो करंटली प्राइस है वो यहाँ पर 2,799 रुपये है। और इन दोनों स्मार्ट वॉच का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ओवरऑल अगर हम इन दोनों वॉचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन फीचर्स में जो है ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों स्मार्ट वॉच में, जो ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स हैं। फिर से मैं आपको जो फीचर्स वगैरह बता के बोर नहीं करूँगा, मेरे हिसाब से फायरबोल्ट कमांडो जो है ना थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसमें आपका पर जो है डिस्प्ले साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है और उसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो भी जो मुझे थोड़ा सा बेटर ही लगा।
और बाकी सब फीचर्स तो सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं दोनों में। बट अगर आपको जो है प्रॉपर एक जो है रगेड लुक वाला स्मार्ट वॉच चाहिए तो फायरबोल्ट कोबरा मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इनसे कमेंट करके आप जो है मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लेना।